चलोगे क्या? शमशान जाना है क्या दादा? दादा दादा कौन है? अच्छा बोलो छोकरे। तू अपनी कीमत बता। 50 रुपया। 50 रुपए तो बहुत होते हैं। पर मुझे नहीं खरीद सकते। नहीं चाहिए। आ तो जाओ ना, जाके गाय का ही दूध निकालते रहो। ये तो वाकई कमाल की है, इसके लिए इतने तो चलेंगे। चला मैं 50 रुपए देता हूँ। 100 रुपया दो। 100 रुपए? मुझे कोई 20 रुपए भी नहीं देता और ये 100 रुपए मांग रही है। अरे 100 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो रोका किसने है? जाओ ना। पहले तो 50 ही मांगे थे। मेरा बदन मेरी मर्जी। ये गलत बात है। सही कहा, इसीलिए तो मैं सड़क पे हूँ। अगर मैं इतनी अच्छी होती तो शादी करके घर बसा ली होती। अरे जा ना रे बुड्ढे, चल निकल। जा, मेरे 50 रुपए बचे। चल चल चल। जैसा तुमने मांगा 100 रुपए मैं देता हूँ, चलोगी क्या? नहीं चलूंगी। मुझे पहले से पता था। हम तुझे 50 रुपए और देंगे, हमारे साथ चलेगी? मैं नहीं चलूंगी। अरे ऐसा क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 मर्दों के साथ एक साथ नहीं सोने वाली हूँ। ए, तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ? इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ मैं, मुकुट ना पहनने वाला राजा हूँ मैं। ए, तेरे जैसे महाराज मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मेरे सामने घुटने टेकते हैं, समझ गया? चल जा रे। अरे मैं क्या बोलूँ, मेरी बात सुनो। चल जा रे, निकल। ए, चल रे, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? चल। बाप को बोलना मैंने याद किया। हाँ? मेरा बाप भी यहाँ आता था। प्रोसिक्यूटर गिरजा के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वीरा का दोष नहीं साबित कर पाए, क्योंकि लॉयर गुणशेखर जीनियस था सच को झूठ साबित करने में। गुणशेखर ने ये साबित कर दिया कि वेदा ने पुष्पा के लिए उसे फंसाया है। वकील ने ये भी कहा कि आपसे रंजिश की वजह से वेदा ने वीरा को शादी के दिन फंसाया। इस दलील को मद्देनजर रखते हुए वीरा को बाइज्जत बरी किया गया। इसमें इंस्पेक्टर का भी हाथ है वेदा। FIR लिखते वक्त उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो आसानी से छूट गया। अब तो तू खुश है ना? मेरी बात सुन, अभी हम लोग कोर्ट में हैं। अरे पुष्पा, तुम्हें गजरा बहुत पसंद है क्या? तो अपने पति को बोल दो, वो लाकर तुम्हारे जूड़े में लगा देगा। ए पुष्पा, चल घर चल। मैं नहीं आऊंगी। ए, मैं तेरा मामा हूँ। सिर्फ रिश्ता होने से कोई फायदा नहीं, जिम्मेदारी होना भी जरूरी है। और इस जिम्मेदारी का तुम्हें जरा भी एहसास होता तो तुम शादी के दिन चोरी ना करते। ए, कानून ने मुझे रिहा किया है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। चल बाइक पे बैठ। मेरी माँ से तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी बेटी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, लेकिन वादा निभाया क्या? अबे चल, तू मेरे साथ मंदिर में शादी करेंगे। एक लड़की जीवन में सिर्फ एक ही बार दुल्हन बनती है, और जब एक बार शादी हो गई तो उसका जीना या मरना उसके पति के घर ही होता है। और कान खोलकर सुन लो, अब मैं अपने पति का घर छोड़कर नहीं आऊंगी और अपने पति की बेइज्जती भी नहीं होने दूंगी। ए, एक बात जान ले, हमेशा दुखी रहेगी तू, समझे ना? तुम और कितना श्राप दोगे? पुष्पा, तुम दोबारा यहाँ मत आना, मेरा पति खतरनाक है। संकरी बीड़ी दो।
वेदा हाँ? उधर देखो, उसको बुलाओ, आवाज देके बुलाओ। इस वक्त कहाँ चली गई है? मेरे साथ नहीं रहना है कहीं ये सोचकर मायके तो नहीं चली गई? अब भला मैं उसे कैसे ढूंढूं? ए, कौन है उस जगह पर? मेरे खेत में आग क्यों जला रहे हो? अभी रुक, आता हूँ मैं। मुर्गी पक रही है, साथ में दारू। पुष्पा, चोरी क्या क्या? आजा आजा मेरा प्यारा पति, तू तो सोना जैसा है, आजा। क्या पुष्पा, तुम बिना बताए यहाँ चली आई? इधर आ, बैठ जा, बैठ जा। पिएगा क्या? मैं नहीं पीऊंगा। मैं घर पे नहीं मिली तो तुम डर गए क्या? डर गया था मैं। तुम कौन हो? पागल हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ। ये तो मुझे पता है। तुम क्यों मेरी जिंदगी में आए? मेरा पति ऐसा होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी शादी तो बचपन में ही वीर के साथ तय कर दी गई थी। ये बात अभी किस लिए कर रही हो पुष्पा? पियोगे क्या? नहीं पियूंगा। पुष्पा, मैंने तुझे इतना डांटा, सब कुछ बोला, लेकिन तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बोला? मैंने तुम्हें भूतनी बन के डराया और कोई तुझे भी डराया, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। अच्छा, तुम मेरे पति हो, तुम्हें बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हें डराती हूँ। तुम्हें मुझे खींच के थप्पड़ भी मारना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं मारा मुझे। ये गलत है पुष्पा, औरत को ऐसे मारा नहीं जाता है, वो कोई मर्दानगी थोड़ी ना है। अरे अरे शांत रहो। तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि तुम्हें कभी मुझ पर गुस्सा नहीं आया। नहीं पुष्पा, तुम सच में खरा सोना हो, मैं खरा हूँ। छोड़ो ना ये सब पुष्पा। इधर आओ। मैं दारू पी के बकबक कर रही हूँ, ये समझ रहे हो क्या? नहीं पुष्पा, बहुत दिनों से मैं कुछ बताना चाहती थी। सुनो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे दिल वाले भी हो। तुम क्यों मेरा ख्याल रखते हो? क्यों मुझसे प्यार करते हो? तुम क्यों अपनी जान मुझे